अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन के महानायक के रूप में विख्यात एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर आज पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है और सभी लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही हैं। इसी क्रम में धर्मनगरी वृंदावन में भी पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक की लहर है और संत समाज भी भावुक है। सोमवार को हरि निकुंज चौराहा स्थित श्री हरि निकुंज आश्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संतों ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। संदीप सिंह, श्री हरि निकुंज आश्रम वृंदावन, आज सभी संत इस दुख की घड़ी में माननीय कल्याण सिंह जी उनको अपने श्रद्धा अर्पित करने के लिए आए हुए हैं और जब तक सूर्य चांद रहेगा तब तक कल्याण सिंह जी को कोई बुला नहीं पाएगा। और कल्याण सिंह जी ऐसे एक अपने 3 बार गवर्नर रहे और उनके ऊपर भगवान श्री राम की कृपा थी। कोई कौन कहता है स्वर्गवास हो गए, वो स्वर्गवास नहीं हुए, वो भगवान श्री राम जी के पास चले गए। और भगवान राम जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी तभी तब तक वो इस धरती पर आएंगे और राम भगत बनकर ही आएंगे। जैसे उन्होंने राम जी की सेवा करी है ऐसे ही हम अपनी भावना से उनको श्रद्धा अर्पित करते हुए और भगवान श्री राम से विनती करते हैं ऐसी दिव्य आत्मा को इस धरती पर बार बार भेजना। और इतना कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते, ओम शांति शांति शांति। जी महाराज जी बताएं, क्या नाम है आपका? मैं गुरु प्रदत्त द्वारा प्रदत्त नाम श्री कृपा कांसी दास, श्री हनुमान टिकरी आश्रम वृंदावन। महाराज जी जो श्रद्धांजलि दी जा रही है आज क्या कार्यक्रम है पूरा बताएं? आज तक आश्रम में यही है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री राम जन्मभूमि के अप्रतिम योद्धा स्वर्गीय कल्याण सिंह जी अपने शरीर को छोड़ चुके हैं। उनका पार्थिव शरीर आज उनके जन्मभूमि पर उनको अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है, अंतिम संस्कार हो रहा है जैसा कि मुझे समाचार द्वारा सुनने को मिल रहा है। मैं ऐसी इस दुख की घड़ी में भगवान श्री राम से निवेदन करता हूँ तो वो अपने चरणों में वास दें, यही उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी इस भारत के अद्वितीय राम भक्त हैं, जिन्होंने उस विवादी ढांचा को ध्वस्त कराया जो सैकड़ों वर्षों की गुलामी का प्रतीक था, जिसके कारण अनेकों राम भक्त समय समय पर अपना बलिदान देते आए। उनके जब विवादी ढांचा ध्वस्त हुआ उसके पूर्व भी एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कार सेवकों पर भयंकर गोलियाँ चलवाई, लेकिन उन्होंने बिना गोलीबारी करवाए बिना लाठीचार्ज करवाए उस विवादी ढांचा को ध्वस्त कर दिया जो सैकड़ों वर्षों की गुलामी का प्रतीक है, जिसके वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय दिया और आज वहां पर भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। इसके लिए यदि कोई सबसे पहले पूजनीय है आदरणीय है तो वह स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी हैं।